हाँ जी स्टूडेंट, आज गारंटी का एक आपका टॉपिक पेंडिंग था, वो भी करेंगे। और इसके कुछ डाउट क्वेश्चंस है, वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि आज सॉल्व करें। सबसे पहले मैं क्वेश्चन वाइज करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके असाइनमेंट का 49, और क्वेश्चन 49 है और आपके बुक के अंदर आप ढूंढ सकते हो, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। कहता है ए बी एंड सी पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग एंड प्रॉफिट रेशियो 4:1 रिस्पेक्टिवली। इट वॉज प्रोवाइड इट नो केस सी प्रॉफिट लेस देन 7500, यानी सी को गारंटी दिया गया है। द प्रॉफिट ईयर एंडेड 2014-15 अमाउंटेड 31500। यू आर रिक्वायर्ड टू अप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर। द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को ही नहीं बोला गया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इससे बना के दिखाऊं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। आप इसका नॉर्मली जैसे कि हम वर्किंग नोट करते हैं ना, वैसे भी कर सकते हैं। वैसे मैं एक पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना के जितने भी क्वेश्चन है उसी फॉर्मेट में मैं करने की कोशिश करूंगा। जिन बच्चों ने कर लिया ये क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। जिन स्टूडेंट ने नहीं किया या फिर नहीं हुआ उनसे, वो एक बार देख लें ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मेरे असाइनमेंट में 49 है, ठीक है। और ये कौन सा अकाउंट है? ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड वो सारी चीजें लिख लेना है आपने, जो फॉर्मेट था। कहता है हमारा नेट प्रॉफिट 31500 है, तो बाय साइड में लिखेंगे, है ना, बाय नेट प्रॉफिट 31500। अब यू आर रिक्वायर्ड शो एप्रोप्रिएशन, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्वेश्चन में कहता है ए बी और सी तीन पार्टनर है, 4:1 का पीएसआर है, 4:2 और 1 का। कहते हैं सी को ना सी को कम से कम तो 7500 मिलेगा ही मिलेगा, तो गारंटी का मतलब होता है अगर सी को 7600 मिल रहा है तो क्वेश्चन कुछ बना ही नहीं गारंटी का। सी को 7500 से कम मिल रहा है, लेकिन गारंटी। अब इसके अंदर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ए बोले कि भाई तुम्हें सी सी 7500 से कम मिलेगा, और ये भी हो सकता है कि बी बोले। लेकिन जब कुछ ना बोला जाए तो इन दोनों ने मिलके बोला है। तो पहले तो हम नॉर्मल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। प्रॉफिट जो कि ट्रांसफर कहां होगा, कैपिटल में, ए बी एंड सी। अगर मैं 31500 को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूं, है ना, 31500 डिवाइडेड बाय 6, 4 2 6 7, तो ये 18000 इसके हिस्से में आया, 9000 इसके हिस्से में आया, 4500 इसके हिस्से में आया। अब आप ध्यान से देखिए, सी को हमने मिनिमम गारंटी कितने का दे रखा है, 75 का, जबकि मिला कितना है इसे, 4500। अब हमें क्या करना होगा, इसको तो 75 पूरे करने हैं, तो सबसे पहले इसका डेफिशिएंसी देखो। सर डेफिशिएंसी क्या होता है, कि इसको और कितने कम पड़ गए, इसको डेफिशिएंसी बोलते हैं। तो देखा जाए तो 45 में अगर 75 में अगर इसको 45 मिल ही जाएगा तो इसके कितने कम पड़ गए, 3000। नाउ 3000 पर्सनली बियर बाय ए एंड बी। लेकिन अब कंसर्न आता है कि सर ए कितना देगा और बी कितना देगा, तो अपने रेशो में, इस रेशो में देगा, यानी ए गिवन 3000 का 4/6 एंड बी गिवन 3000 का 2/6। तो 2000 रुपए यहां आ गया, 1000 यहां आ गया। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी बेसिस पे क्या करेंगे, देखो करने का क्या तरीका है, ध्यान से देखो, बड़ा मुश्किल टॉपिक तो है नहीं है। तो हम ए में से माइनस कर देंगे 2000,
और इसमें से 1000 माइनस कर दिया, और वापस इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल, या तो दो और एक करके जोड़ दो या डायरेक्ट तीन जोड़ दो आप। तो देखो इसका प्रॉफिट जो हो गया वो हो गया 16000, इसका प्रॉफिट हो गया 8000, और इसका प्रॉफिट हो गया 7500, है कि नहीं? तो ये जो क्वेश्चन था सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट के बेसिस पे था। अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सारा आ सकता है, तो हम धीरे धीरे देखेंगे। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 49 है, कैलकुलेशन बेस्ड था लेकिन मैंने ऐसे स्टार्ट किया, इसको नोट करिए। अब 49 के बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे फिर।